नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भारत गांव में बसता है, कहते हैं भारत की संस्कृति को अगर करीब से जानना है तो आपको गांव का और गांव में रहने वाले लोगों को जानना होगा। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो हरियाणा ग्रामीण छवि वाला प्रदेश है। ज़्यादातर जनसंख्या हरियाणा में गाँव में बसती है। अगर हमारे गाँव का सर्वांगीण विकास होगा तभी हमारे देश समुचित रूप से प्रगति कर सकेगा। हरियाणा के गाँव में आज हम पहुँचे हैं, हिसार जिले के काड़वास गाँव में, और आइए जानेंगे कि किस प्रकार से गाँव के लोगों की सोच शिक्षा के प्रति, स्वच्छता के प्रति, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति बदली है, किस प्रकार की और कहाँ तक जागरूकता ग्रामीण लोगों में आई है। बचपन से भी मैं देख रहा हूँ यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले ज़्यादा है, और एजुकेशन के मामले में भी, स्कूलों में भी, आंगनवाड़ी में भी जो है लड़कियों का इनरोलमेंट जो है वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा है। जहाँ तक बात रही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, वो भी यहाँ कम है, लड़कियों को भी उतना ही सम्मान मिलता है, और सामाजिक कार्यक्रमों में या हर प्रकार के कार्यक्रमों में उनके भागीदारी जो है लड़कों के इक्वली है। तो इस प्रकार की जो समस्या है या फीमेल फ्यूटिसाइड की जो समस्या है, भ्रूण हत्या की समस्या है, वो हमारे गांव में तो बिल्कुल कम है। और जो रही बात जागरूकता की, वो लड़कियों के अंदर भी जागरूकता आई है, समाज में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जो राइट्स की बात होती है, जो अधिकारों की बात हो रही है, वो लड़कियों को भी उतने इक्वलेंट अधिकार मिल रहे हैं जितनी की अपेक्षाएँ जो हैं वो की जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि लड़कियों के और लड़कों के भागीदारी का, तो समाज में उनकी भागीदारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो है उनका रोल भी अहम है, और सामाजिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भी सरपंच साहब हैं या गांव के अन्य लोग हैं वो चिंतित है कि ताकि लड़कियों को किसी भी तरीके से आर्थिक आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि उनका भविष्य जो है वो अच्छा हो सके। और मैं हमारे गाँव के सरपंच से बड़ा प्रभावित हूँ। युवा सरपंच है, गाँव पूरी तरह प्रकृति के अंचल में बसा हुआ है, और उनके प्रयासों से, जैसे उन्होंने अभी एक जस्ट जून में एक प्रोग्राम चलाया था कि गांव बाहर से पौधे मंगवाए हैं, तो हर घर में दो दो पौधे लगाए गए हैं, फलदार वृक्ष है, उनका डबल फायदा है। जैसे फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी, और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो सरपंच साहब बड़े बढ़िया तरीके से जो उन्होंने शुरुआत की है, और ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम जैसे गाँव में चला रहे हैं, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ भी आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलाते रहेंगे। गांव पहले से ही खुशहाल था, ऐसी कोई कभी दिक्कत नहीं रही है, पैसे की कमी गांव में कभी नहीं देखी है मैंने, लगभग मेरी उम्र 35 साल हो गई है। पर अब उनके जो प्रयास हैं वो गांव को और आगे ले जाने के हैं। जैसे सरकार के साथ मिल के अभी उन्होंने कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं, सरकार को पत्र लिखे हैं गाँव की जो समस्याएँ हैं इक्का दुक्का, जैसे स्टेडियम वगैरह खेल के लिए उन्होंने मांग की है, और कुछ ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जो महिलाओं के लिए भी कारगर होंगे उनकी मांग की है सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूँ भी ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। 8-9 सालों से गांव में दुकान चलाता हूँ, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जो पैसे के बारे में अभियान चलाया है वो बहुत अच्छा है, हम इसकी सपोर्ट करते हैं। गाँव में दिक्कत तो हुई है, लेकिन इतनी दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि गाँव में आपसी भाईचारे से काम चल जाता है, उधार ले लेते हैं, और गाँव में पैसे उधार एक दूसरे को दे भी देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का ई मित्र हूँ, और बैंक की तरफ से हमें ये माइक्रो एटीएम मिला है। इससे इसमें हम एटीएम कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, आधार कार्ड के इसे विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बैलेंस इंक्वायरी वाले कोई ऑप्शन दिया हुआ है इसे वो भी चेक कर सकते हैं। इससे लोग माइक्रो एटीएम से पैसे भी निकालने के लिए भी दिक्कत नहीं आती, और किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने में दिक्कत नहीं आती। आधार कार्ड से भी हो जाता है, और एटीएम कार्ड से स्वैप करवा जा सकता है।
आइए मिलते हैं गांव काड़वास के युवा और शिक्षित सरपंच श्री संजय लांबा जी से और उनसे जानते हैं कि उनके क्या क्या योजनाएं हैं, गांव के विकास में उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या क्या उन्होंने सोचा है, किस प्रकार से समूचे गांव को साथ लेकर विकास की ओर बढ़ेंगे। संजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे आपके गाँव के बारे में जानना चाहेंगे। आप युवा सरपंच के तौर पर आए हैं, अभी जो पंचायती चुनाव हुए उसमें, तो आप अपने गांव के बारे में, गांव की विशेषता के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम संजय लांबा है। मेरा गांव कालवास हरियाणा के जिला हिसार का एक छोटा सा गांव है। मेरे गांव की आबादी तकरीबन 4000 के आसपास है जी। और मेरे गांव के अंदर कुछ विशेषताएँ भी हैं और कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनके ऊपर आगे काम करने के लिए हमें प्रयास करने हैं जी। तो मेरे गांव की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि मेरे गांव का जो गांव है उसमें कन्या शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। यहाँ बच्चियों का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, अच्छा पढ़ती हैं जी। और दूसरा जो सबसे मुख्य है कि मेरे गाँव के अंदर कन्या भ्रूण हत्या का कोई भी केस नहीं है जी। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सराहनीय है आपका ये जो कदम है, और आपने बताया कि भ्रूण हत्या का आपके गांव में कोई भी केस नहीं है। चलिए बहुत अच्छी, और अगले भविष्य के लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका गांव, ये जो आपने स्तर बनाया है कन्या भ्रूण हत्या का, बहुत ही कम है और ना के बराबर है, और ये बना रहे हैं। संजय जी, आज के दौर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान पर बहुत जोर दिया जा रहा है, उनकी तरफ से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, जो कि स्वच्छता अभियान पर ध्यान दे रही हैं। तो ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो उनमें खुले में शौच मुक्त भारत बनाने का जो उद्देश्य रखा गया है, उसमें आपके गाँव की क्या स्थिति है? मेरा गाँव जो सरकार की नीति है उसके ODF में शामिल है। मेरे गांव के अंदर खुले में शौच जाने वाले लोग नाम मात्र हैं जी। जिनको हम कह सकते हैं कि एक या दो की गिनती में ही आते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य भी है कि मेरे गांव ने इस समस्या को लेकर मेरा काफ़ी साथ दिया है और पूरा सहयोग करते रहे हैं, और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। इस बारे में सरकार की कुछ जो नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, और मैं निजी तौर से भी इस चीज़ में सरकार का सहयोग करता रहूँगा, मैं पसंद भी करता हूँ जी। संजय जी, अभी हम गांव से गुजर रहे थे तो मुझे लगा कि प्लांटेशन जो है, ग्रीनरी बहुत देखने को मिली आपके गांव में, तो पर्यावरण को लेकर भी आजकल जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, तो लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं। इस प्रकार से आपके गाँव में जो पर्यावरण को लेकर है, वो लोगों की सोच कितनी बदली है, या लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, पंचायत की तरफ से किस प्रकार से उनको सहयोग दिया जा रहा है? मैम, मेरा जो गांव है उसमें आपने देखा होगा कि हरियाली बहुत ज़्यादा है जी। हम जो जिस समाज से संबंधित हैं, हमारा समाज आज से नहीं, तकरीबन 500 साल पुराने समय से, जब हमारे गुरु महाराज ने इस समाज की स्थापना की, तब से हम पर्यावरण के लिए उन्हें विशेष जोर दिया है, और इस परंपरा को हम अब तक आगे बढ़ाते जा रहे हैं और भविष्य में बढ़ाते रहेंगे। हरियाली एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार से हमारे लिए अच्छी है, देखने में भी अच्छा लगता है, सुख अनुभव होता है, और इसके जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हैं वो काफ़ी अच्छे प्रभाव रहते हैं, इसलिए हम इस पर काफ़ी जोर देते हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए मैंने सरपंच बनने के बाद जो मेरी पहली मुहिम थी वो ये थी कि मैंने हर घर के अंदर दो दो पौधे, फलदार पौधे लगवाए हैं जी। तो इस मुहिम के अंदर गांव वालों का कितना सहयोग मिला आपको? इस मुहिम के अंदर मेरे गांव वालों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है, जिसे हम 100% भी कह सकते हैं। मैंने उनमें जो पौधे भेंट किए थे, उन्होंने उन पौधों को अपने बच्चों की तरह पाला है, और वो अब भी उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं जी। आप खुद एक युवा सरपंच है संजय जी, तो ग्रामीण विकास की जब बात आती है तो और जो गांव के युवा हैं, युवा शक्ति है, यूथ कह सकते हैं कि यूथ हमारे देश का भविष्य होता है, तो उनका किस प्रकार का रवैया रहता है? अगर आप कोई नई परियोजना शुरू करते हैं या कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में आता है गांव के विकास से संबंधित, तो युवाओं का कितना और कैसा सहयोग मिलता है आपको? मेरे जो
पीछे चुनाव था, चुनाव से लेकर अब तक का अगर मैं अपना जो भी समय है इसको देखूं, तो इस समय के मुताबिक युवाओं का सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मिला है। मेरे गांव के अंदर एक छोटी सी कमी भी है, जिसको मैं शुरू से देखने के बाद ही मेरे मन में ये विचार आया कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं और गांव में कुछ करने के लिए मुझे मौका मिले। तो जो सबसे बड़ी है कि मेरे गांव के अंदर नशा बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं काबू करना चाहता हूं और इस बारे में मैं प्रयासरत भी हूं। जी। नशा जो है हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करता जा रहा है, तो उनको नशे से बचाने के लिए मैंने प्रयास किए हैं। मैंने सरकार को लिखा भी है कि गांव के अंदर हमारे स्टेडियम होना चाहिए, व्यायामशाला होनी चाहिए, जिस बारे में अभी तक सरकार से कोई मुझे सहयोग तो नहीं मिला है, बट मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार मुझे भविष्य में अच्छा सहयोग। यानी कि आप भी युवाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं और गांव के जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है, वो भी आपको सहयोग दे रही है, ये हम कह सकते हैं? हाँ, युवा पीढ़ी का मुझे बहुत सहयोग है जी। क्या आपको नहीं लगता ये जो पंचायती चुनाव हुए उसमें इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला कि शिक्षित और युवा लोग आगे आ रहे हैं, तो उसमें आप खुद एक युवा सरपंच है, तो आपको अनुभव की कितनी कमी महसूस होती है कि पहले जो पंचायतें होती थी उसके मुकाबले में आज की पंचायतों में फ़र्क है, अनुभव का फ़र्क है, तो क्या आपको गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका सहयोग मिलता है, उनकी राय की आपको ज़रूरत पड़ती है? मैम, हम युवा हैं, हमारे पास अनुभव की कमी है, इसमें बेशक कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे गाँव के जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे माता पिता हैं या मेरे दादा हैं और भी हैं, वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं, समय समय पर अपनी राय भी देते हैं, अच्छा बुरा का भी बताते हैं, वो मुझे काम करने के तरीके भी सिखाते हैं किस काम को कैसे किया जाना चाहिए। और हमारे जो पूर्व सरपंच थे उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है, वो समय समय पर मुझे पंचायत को लेकर जो भी समस्याएँ रहती हैं, उन्होंने जो समस्याएं झेली हैं, वो उन समस्याओं के बारे में अपनी उनकी जो भी अनुभव है वो मुझसे साझा करते रहते हैं, इसका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। संजय जी, गांव को विकास को लेकर आपके जो आइडियाज़ हैं, युवा आइडियाज़, वो क्या क्या हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो, जो भी महिलाओं की स्थिति आज समाज में है, उनका जो जितना उनको मौका मिलना चाहिए उनके विकास का, उतना शायद उनको नहीं मिल पाता, ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ और ग्रामीण और शहरी परिवेश का थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो आपके इन सब जो भी विषय हैं ग्रामीण परिवेश में, चाहे वो महिलाओं से लेकर है, शिक्षा से लेकर है, नशे से लेकर है, आपके दिमाग में जो है आइडिया, आपकी सोच क्या है, क्या कुछ आपने करने की सोचा है ताकि वो उद्देश्य, जिन उद्देश्यों से आपने सरपंची का पद संभाला है, वो पूरा हो सके? मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिस समाज में रहते हैं वह महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, बट ले अच्छी नहीं है जी, जी। और उसको बेहतर बनाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने हैं और इसमें समय भी लगेगा। अब मैं समय समय पर गांव में मैंने कोशिश की है, जो मेरे पुरुष भाई हैं मैं उनको भी समझाता हूँ कि घर में महिलाएँ जो हैं आप उनको कुछ आज़ादी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए, लेकिन जितनी उनकी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक उनकी आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरा, मैं महिलाओं के विकास के लिए जो मुख्य चीज़ है कि उनको कुछ आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो इससे संबंधित सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे उनको सिलाई के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है या उनको स्वरोजगार से संबंधित जो भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनके बारे में सरकार से हमने लिखा है, और बहुत जल्द कुछ ऐसे केंद्र हमारे गांव में खुलने वाले हैं जिनसे महिलाओं को। एक सवाल और बीच में आपको टोकूंगी संजय जी, क्या डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की राय नहीं ली जानी चाहिए, चाहे वो पंचायत के डिसीजन हो या ग्रामीण विकास के हो? हमने इस चीज़ को बढ़ावा देने कि मेरे पंचायत की जो महिला मेंबर हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर मीटिंग के अंदर वो स्वयं आए, जैसा कि पुराने समय में ऐसा होता था कि पंच तो महिलाएं होती थी, लेकिन जो पंचायत के कार्यक्रम होते थे या जो मीटिंगें होती थी उसमें उनके पति प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहते थे, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि वो स्वयं आए। इसके लिए मैं उनको बार बार प्रोत्साहित भी करता हूँ, उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप उनको आज़ादी दीजिए ताकि वो
हमें भी कुछ मदद करें और खुद भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अच्छे हर काम के अंदर वो भागीदार बन सकें। तो संजय जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी अपने गांव के विकास को लेकर। हम चाहेंगे कि वो प्लानिंग उसी रूप में कामयाब हो जैसा आपने सोचा है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब जानते हैं गांव की ही कुछ महिलाओं से कि महिलाओं के गांव में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे उनके अधिकारों को लेकर हो, चाहे वो बदलाव को लेकर हो। बदलाव चाहे विकास का हो, शिक्षा का हो, या महिलाओं की सोच का हो, या उनकी प्रगति का हो। हम बैठे हैं कुछ महिलाओं के बीच में, जानते हैं उनसे वो क्या सोचती हैं आज के माहौल के बारे में। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? कड़ाई 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। जब आप इस गांव में शादी करके आई थी उस टाइम में और आज के टाइम में कितना के बदलाव आया, क्या फर्क है? गड़ों ही फर्क है मेरे तो, जैसे पढ़ाई को लेकर या बच्चे। पढ़ाई तो कौन पहली पढ़ाई तो कौन हो, अभी बच्चा तो पढ़िया ही है, बच्ची पढ़ी है, बच्चा ही पढ़िया है। बच्चियों को ज्यादा पढ़ाना चाहते हो या लड़कों को? अभी बच्ची टावर ही माँ आएगी के पढ़ावा, मोटा मोटा आ गया टावर तो। अच्छा अच्छा, तो पोती होंगी? पोती पोता कौन ही। अच्छा, तो बदलाव आया है आपके गांव में? पहले जो माहौल था, जैसे सुविधाएं पहले के मुकाबले में? नाम अभी घनी सुविधा है, घनी सुविधा है। तो ईब का टाइम अच्छा है कि पहले का था? अभी का अच्छा है, पहले तो मर गया डोडो ठीक करा है। आपका क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती, आपको क्या लगता है कि कितना के बदलाव आया, अच्छा आया कि बुरा आया? अच्छा है। अच्छा अच्छा, कैसे है, किस प्रकार से? किस प्रकार क्या पढ़ाई पढ़ुई भाई छोरा करा है, टावर तो कर लिया, पोती पोता है रहा है जो करके कर पढ़ाई। अच्छा, जैसे इनने बताया कि बहुत डोडो मर गए थे पहले, तो ये कितनी सुविधाएं हैं अभी? ठीक है, अब बाहर सिर पे कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता, कौन पढ़े। आपका नाम? कृष्णा। कृष्णा देव, कितने सालों से हैं इस गांव में? 36 साल। 36 साल हो गए। कितना माहौल में के फर्क आया जब तले गई तई? अभी अच्छा फर्क है, पानी पुणी बहुत सुख है। मान लो नशा पता गांव में के माहौल है, नशे की के सिचुएशन है? मैं ठीक है अभी, नशा पता कौन खास गांव में नशा कौन ही करे, या तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, नशा कौन करे। और लड़कियों को पढ़ाने को लेकर सुविधाएं कितनी है स्कूल में, गांव में स्कूल कितना है? लड़कियां पढ़ावा सब, सारे कोई विरोध नहीं करता ना? लड़कियां पढ़ाओ सब भाई, क्या तो पढ़ाना चाहो लड़कियां ने? लड़कियां ने अच्छा आगे घर बढ़िया मिले, सुख है, पढ़ाई करोड़ी रहे तो कोई नौकरी मिल जाए। तो आपने तो खेती में भी काम करया होगा? मैं तो खेती में काम करया, मेरी लड़की तो पढ़ रही है। अच्छा, कितना पढ़ाया आपने उसको? बीए। बीए करवा दी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद खेती में लगे, बच्ची को पढ़ा दिया। तो खेती में भी बदलाव आया होगा पहले के मुकाबले? ना खेती बराबर करया मैं, आप नहीं, आप तो बराबर करो हो, झाड़ी हूँ ट्रैक्टर हूँ अभी हुआ है, इधर पहला ज्यादा काम करना पड़ा, अभी कम करना पड़ा, मशीन हुआ है, मशीनों में हुआ है, सारा मशीनों में काम हुआ है। अच्छा, और जो पंचायत आपकी जो नए सरपंच आए हैं वो गांव के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है सरपंच गांव में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल में और इनमें बढ़िया बना दिया, हॉस्पिटल में सारा सुख कर रखे, गांव में काम शुरू कर रखे। यानी कि आपका गांव विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है? हाँ, तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है सरपंच। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। आपका क्या नाम है? रामदेवी। रामदेवी, अब जो है जैसे इन्होंने बताया कि सुविधाएं बहुत हैं और गांव में भी, तो तकनीकी जो सुविधा आ रही है लोगों को, जैसे पहले के मुकाबले में था, इन्होंने बताया कि बोझ डोया कर दे, पढ़िया भी को नहीं कर दे, तो ईब कितना बदलाव आया? अच्छा आ रहा है जी। अच्छा आ रहा है, कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो जो महिलाओं की सिचुएशन है, पहले जैसे दबा के रखा कर दे, उनकी बोलन को दिया कर दे, ईब क्या घर के फैसलों में, खेती के फैसलों में आपकी सलाह ले जाओ? तो विवांग बहु आ रही है किंग माना, पूछो मेरे तो बहु है कौन है? नहीं, बहू की बात नहीं कर दी मैं, जैसे परिवार वाले पहले आपकी राय नहीं मानना करते, आपकी क्या, हम सब की नहीं मानते थे, हमारे भी बुजुर्गों की नहीं मानते थे। तो ईब जो है घर के जो फैसले हुए हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित है, चाहे वो बच्चों के रिश्तों से संबंधित है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है, उनमें आपकी राय माननी जाओ है कि? हाँ ठीक है, बराबर पूछे। और आपको पसंद ना हो तो मानी भी जाओ, आप विरोध करो तो ना मानी जाओ, मानी जाओ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, इसका मतलब बदलाव आ रहा है और अच्छा आ रहा है। लक्ष्मी जी, पहले
पहले की जब बात करा तो पहले मार पिटाई भी आया कर दी महिलाओं के साथ कने कौन करी अड़ोस पड़ोस काम घणो ही हो पण मार पिटाई कने कौन करी बस काम काम करया कर दे काम घणा लिया कर दे तो काम तो मारी काम जिन में कराई लिया कौन कर दो आपके पूरे आपकी चलो अच्छी बात है आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन गांव में अड़ोस पड़ोस में देखा होगा आपने किसी के साथ पहले होता था पहली तो लोग अड़ोस पड़ोस में तो मेरे को ले आमने तो घर में तो आंदी कोनी तो ईब और पहले में इस बात में फर्क आया है ईब मार पिटाई को नहीं होती नहीं अभी तो कोनी है मार पिटाई क्यों कोनी हो क्योंकि महिला मजबूत होगी हाँ महिला मजबूत है ये भी ईब डरती कोनी वो किसी तरह कोनी ये भी आई है क्या तो कौन रहे कौन रहे बदल गया समय हाँ। पढ़ी लिखी होगी इसलिए हाँ, बस, तो ये आप समझती हैं कि अगर तो, लड़की को पढ़ाओगे लिखाओगे हाँ, अच्छी शिक्षा दोगे हाँ, तो वो किसी की अहिंसा या किसी का अन्याय नहीं सहेगी हाँ, कौन से वे तो बहुत अच्छी बात है ये तो दर्शकों आपने देखा और जाना कि किस प्रकार से गांव के समुचित विकास में हर पीढ़ी अपना योगदान दे रही है चाहे वो बुजुर्ग हों अपने अनुभव के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं चाहे वो युवा हो अपनी शिक्षा के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं चाहे वो महिलाएं हो अपनी मेहनत और बदली हुई सोच के रूप में अपना योगदान दे रही हैं यदि हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें भी अपने गांव की ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभानी ही होगी क्योंकि एक गांव तब तक तरक्की नहीं करता जब तक कि हर पीढ़ी हर वर्ग उसमें अपना योगदान नहीं देता आज युवा और शिक्षित पंचायतों का दौर है समय बदल रहा है और ग्रामीण सोच में भी अच्छा बदलाव आ रहा है इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार